चीज बटर बन, सॉफ्ट सिल्की और रुई जैसा, पसंद है ना। मैं शेफ कृष्णा और आप देख रहे हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आज आपके लिए लेकर आए हैं सॉफ्ट बटरी चीजी बन, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट है। तो फॉलो कीजिए, पूरे स्टेप फॉलो कीजिए और बना लीजिए हमारी तरह ये सॉफ्ट चीजी बटर बन। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और चाय के साथ कॉफी के साथ तो आनंद ही आ जाता है। बच्चों का फेवरेट है तो बच्चों के लिए जरूर बनाइएगा घर में बिल्कुल फ्रेश ये बटर बन। अमेजिंग है, सुपर है और डिलीशियस है। तो चलें बनाते हैं आज ये सुपर टेस्टी सॉफ्ट बटर बन, बनाएंगे ना? चलें बनाते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चलें देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चलें बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। चलिए बनाते हैं डो। तो यहाँ पे 3 कप हम ले रहे हैं ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। ये मैदा हमने पहले से छान के रखा तो छानने की जरूरत नहीं है, तो आप मैदा को जरूर छान कर लें। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और गुनगुना दूध हम लेंगे तकरीबन 1 कप और चौथाई कप यानी 1/4 कप। और यहाँ ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन बटर को अच्छे से मेल्ट करके लीजिएगा, लुकवार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। हम बना रहे हैं गर्मियों के दिनों में तो ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, और यदि आप सर्दियों में बनाते हैं तो आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि ब्रेड आपका फटाफट से फर्मेंट हो जाए। तो डो को हम लगा लेते हैं, जितना हमने दूध लिया है उसी में लग गया ये डो। आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से नीड करना, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको इसको अच्छे से नीड करना है। तो 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको नीड कर लेंगे। जितने अच्छे से आप नीट करेंगे, देखिए शुरू में ये हाथों में चिपकता भी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीट करते जाएंगे इसका हाथों में चिपकना बंद हो जाएगा और ये अच्छे से ढल जाएगा। देखिए अभी हम चेक करके आपको बताते हैं, तो ये फट रहा है। अभी जैसे जैसे हम इसको नीट करेंगे 10 से 15 मिनट में आप देखेंगे कि डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है। देखिए अभी ये फट रहा है, तो जब 15 मिनट आप अच्छे से नीट कर लेंगे तो ये डो नहीं फटेगा। इस टिप्स को ध्यान रखिएगा जब भी आपको ब्रेड बनाना है, कोई सा भी ब्रेड बनाइए आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करना है। तो इसको अच्छे से हम 15 मिनट नीट करेंगे और आपको बीच बीच में चेक करके भी बताएंगे कि ये अच्छे से ढला कि नहीं। देखिए अभी भी ये फटेगा, ये देखिए अभी थोड़ा सा और हमें इसको नीट करना है। तो टोटल 15 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छे से नीट करने में। यदि आपको नीटिंग मशीन है आपके पास तब आप फटाफट से बन जाता है। देखिए परफेक्ट हो गया, इस तरह का टेक्सचर हो जाना चाहिए तभी जो ब्रेड है आपका अच्छा बनता है। अब इसको इस तरह से हम पीछे की तरफ टक करके
इसको बाउल में रख देंगे। नीचे हमने ऑलिव ऑयल ग्रीस कर दिया था, ऊपर से भी ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर देंगे। इसको अच्छे से इस तरह से ब्रश कर देंगे ताकि ये ऊपरी सतह जो इसका वो चिकना रहे, सूखे नहीं। ऑलिव ऑयल की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। हेल्दी बनाते हैं तो हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। इसको अच्छे से क्लिंग रैप कर दें और आधे घंटे के लिए आप किसी हॉट जगह पे रख दें, किचन काउंटर पे छोड़ दीजिए। यदि गर्मियों के दिन है और सर्दियों के है तो आप अपना जो ओटीजी है उसको प्री हीट कर लीजिए। 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, उसमें आप उसको रख दीजिए। एक घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो एक घंटे बाद देखते हैं कि कितना फर्मेंट हुआ है ना। तो हमारा डो तो फर्मेंट हो चुका है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है, देख सकते हैं जालिए आप, बहुत अमेजिंग। तो ये क्लिंग रैप हटा देते हैं और इसको पंच करके जो एयर है वो निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट से क्लिंग रैप हटा देते हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बलून की तरह फूल गया है हमारा डो। तो इसका एयर निकालना जरूरी है जब हम ब्रेड बनाते हैं। तो देखिए पंच कर देते हैं और इस डो को अब हमें थोड़ा सा नीड करना है, तकरीबन 5-7 मिनट हमें नीड करना है। तो फटाफट से नीड कर लेते हैं इसको। 5 से 7 मिनट आप अच्छे से नीड करेंगे तो जो ब्रेड है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो अच्छे ब्रेड के लिए जरूरी है कि आप उस डो को थोड़ा सा नीड कर लें। ब्रेड बनाने में इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि आपको ब्रेड डो को बहुत अच्छे से नीड करना होता है। तो देखिए जितना नीड करेंगे उतना ही ये अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा। तो हमारा ब्रेड का डो तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है, देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद इसको हम कट करेंगे और छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बन। तो बन के लिए आप बन छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटे बॉल्स बनाएं, और बन यदि आप मीडियम बनाना चाहते हैं तो उस तरह से, बड़े बनाना चाहते हैं तो उस तरह से आप डो को कट करें। तो चलिए फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं इनको, जितने हमें बन बनाने हैं। इस डो से तकरीबन 9 बन बन के तैयार हो जाएगा मीडियम साइज का। तो चलिए फटाफट से इनको कट कर लिया हमने और इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया। 9 पोर्शन में डिवाइड किया, अब इनको इस तरह से नीचे की तरफ टक करते चलेंगे जिससे ऊपर वाला जो सतह है ना वो स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से हम बना लेंगे बन। और अब हमने बटर पेपर लगा के रखा है, देखिए बेकिंग ट्रे में, और उसमें हम ये बन रख देते हैं। अब इसको फर्मेंट होने देना है, तकरीबन इसे फर्मेंट होने के देंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हमें इसे फर्मेंट होने देना। तो क्लिंग रैप लगा दिया था हमने, इसको कवर भी कर दिया हमने कॉटन क्लॉथ से, और 30 मिनट हम इसे रखने के बाद ये देखिए ये साइज में डबल हो जाता है। हमने गर्मियों का मौसम है तो इसको किचन में ही छोड़ दिया था, किचन काउंटर पे छोड़ दिया था, और ये देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया। यदि सर्दियों का दिन हो तो आप ओवन को हल्का सा गर्म करके उसमें छोड़ दीजिए। अब इस पे हम करेंगे मिल्क वॉश। हम एगलेस बना रहे हैं इसलिए मिल्क वॉश करें। यदि आप एग यूज करते हैं तो आप एक एग का योक ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच दूध मिला के अच्छे से फेंट लीजिए और फिर उसको ब्रश कर दीजिए। इससे ऊपरी सतह जो है वो काफी शाइनिंग हो जाती है। अब इसके ऊपर हम ब्लैक सेसमी सीड्स अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे और फिर व्हाइट सेसमी सीड्स स्प्रिंकल करेंगे, यानी काला तिल और सफेद तिल। इनसे टेस्ट अच्छा आता है और ये तिल जो है वो हेल्दी भी होते हैं। तो काले के बाद सफेद सेसमी सीड्स यानी तिल हमने स्प्रिंकल कर दिया है, और अब इसके ऊपर बटर ब्रश कर देंगे। तो हल्के से बटर को ब्रश कर दें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा और जब ये अच्छे से बेक होगा तो एक शाइन भी इस पे आ जाएगा।
तो चलिए बटर ब्रश हो चुका। हमने ओटीजी को 180 डिग्री 10 मिनट पे प्री हीट होने के लिए रखा है। 180 डिग्री 10 मिनट ओटीजी प्री हीट होते ही हम इस ट्रे को ओटीजी में प्लेस कर देंगे। देखिए हमारा बटर बन रेडी है बेक होने के लिए। तो ओटीजी हमारा प्री हीट हो रहा है। जैसे ही ओटीजी प्री हीट हो जाएगा हम अपने बटर बन को ओटीजी में प्लेस कर देंगे। ओटीजी हमारा प्री हीट हो चुका 180 डिग्री 10 मिनट पे। अब मिडिल रैक पे हम अपना बटर बन प्लेस कर देते हैं और ओटीजी को सेट करेंगे 220 डिग्री 25 to 30 मिनट्स। तकरीबन 30 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाता है। 220 डिग्री पे 30 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा बटर बन बन के रेडी है। बहुत गर्म है तो सावधानी रखें। अब इसके ऊपर ब्रश कर देंगे बटर। अच्छे से ब्रश करेंगे तो शाइन भी अच्छा आएगा और बटर जितना ब्रश करेंगे उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट हो जाता है बन। देखिए बटर ब्रश कर दिया हमने अच्छे से और हमारा सॉफ्ट बटर बन बन के रेडी है। आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम बना रहे हैं चीज स्टफ बटर बन। तो स्टफ करेंगे चीज को। आप पहले स्टफ ना करें, बाद में करेंगे तो चीज का फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी। देखिए बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट, कॉटन सॉफ्ट। अब हमें क्या करना है, ब्रेड नाइफ की मदद से इसमें कट्स लगाने हैं। तो थोड़ा सा हमने ढक दिया था और आप कट्स लगा देते हैं। देखिए इस तरह से कट्स लगाने हैं, क्रॉस में कट लगाएंगे, पूरे बन में लगा देंगे इसी तरह से। बहुत सॉफ्ट है, इजीली लग जाएगा। तो यदि आपके पास ब्रेड नाइफ है तो ब्रेड नाइफ यूज करें, अदरवाइज आप कोई सी भी नाइफ यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कट कर दिया हमने। अब हमने मोजरेला चीज लिया है अमूल का। थोड़ा सा गैप बनाते हैं इसके बीच में और अंदर अच्छे से स्टफ करेंगे। जितने अच्छे से स्टफ करेंगे ना उतना मजा आएगा। तो चलिए इसके अंदर मोजरेला चीज स्टफ कर देते हैं अच्छे से। खूब अच्छे से स्टफ करना है चीज को, कंजूसी नहीं कीजिएगा। जितने अच्छे से स्टफ करेंगे उतना ही आनंद आएगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून हम एक के अंदर स्टफ कर रहे हैं। एक बन के अंदर 2 टेबलस्पून अच्छे से ठूस ठूस के भर दीजिए। तो ये देखिए भर दिया हमने अच्छे से और थोड़ा सा ऊपर भी स्प्रिंकल करेंगे। जो चीज जब बर्न होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ऊपर से भी थोड़ा सा हमने इस तरह से लगा दिया। अब ये स्पाइस एंड हर्ब मिक्स है, मार्केट में मिल जाएगा या आप बना भी सकते हैं इसको। और इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर देंगे तो थोड़ा सा सॉल्ट का टेस्ट आएगा तो बन और भी टेस्टी लगेगा। तो देखिए हमारा रेडी है बन। अब हमें इसे बेक करना है तो 220 डिग्री पे 10 मिनट्स नहीं 5 मिनट्स ही बेक करना है। तो हमने ओटीजी प्रीहीट कर लिया वापस से 180 डिग्री 10 मिनट और अब 220 डिग्री 5 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे चीज मेल्ट होना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारा चीज बटर बन बनकर रेडी है। अमेजिंग। ऊपर से बटर ब्रश कीजिए और आनंद उठाइए। स्पाइस मिक्स भी है, सॉल्ट भी है, चीज भी है। तो ये सुपर डिलीशियस बटर बन हमारा बनकर रेडी है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या ही कहें। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम गार्लिक यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग गार्लिक पसंद नहीं करते हैं या गार्लिक हर वक्त नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने गार्लिक यूज नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बटरी बन बनकर रेडी है। बहुत सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट, और मेरा तो दिल आ गया इस पे। देखिए कितना चीजी है ना, अमेजिंग। तो ये चीज बटर बन जरूर बनाइएगा और अपनी पार्टीज में जान डाल लीजिएगा। अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें बेहद पसंद आएगा। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ज्यादा आनंद आता है। गर्म गर्म कॉफी के साथ एक बटर बन हो तो पेट भर जाता है बच्चों का, और बड़ों के लिए तो दो काफी है।
तो ये बटर बन जरूर बनाइए, सॉफ्ट एंड सिल्की एंड बहुत अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।